क्या कहना? मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ और पंचायत समिति के पद से मैं खड़ा हूँ। मेरा नाम गोपेश कुमार उर्फ गोपी है और मैं अपनी कुछ योजनाओं को आपके सामने, आप अनुमति देते हैं तो मैं रखना चाहूँगा। आप रखिए। मैं इस पंचायत में, इस पंचायत का मैं नाती हूँ, भगना हूँ। मेरे नाना जी, परनाना मेरे नाना थे बटेश्वर प्रसाद सिंह, जो इस पंचायत में गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इस पंचायत, ग्राम पंचायत मंसेरपुर और पहाड़पुर के प्रथम मुखिया थे। उनको इस इलाका में लोग गांधी जी के नाम से जानते थे और इस इलाका में उनका बनाया हुआ निशानी अभी भी मौजूद है और सभी लोग, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उस निशानी को जान रहे हैं, कुआं और पुल पुलिया के रूप में। और मैं उन्हीं का परनाती हूं और इस इलाके के प्रसिद्ध मास्टर शिक्षक श्री मुरलीधर सिंह का नाती हूं। और मैं एमए, एमबीए और मास कम्युनिकेशन में एमए पीजीएमसी करके आया हूं और जनता की सेवा में मैंने प्राइवेट नौकरी को छोड़ के पिछले 5 वर्षों से मैं भाजपा से जुड़कर समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और आगे भी जनता मालिकों के समाज सेवा में लगा रहूँगा। निस्वार्थ भाव से 50-60 हज़ार की नौकरी को छोड़ के आया हूँ। एक बात बताइए, लोग पहले मुखिया का चुनाव किया करते थे, सरपंच को चुनते थे, पंचायत समिति को चुनते थे, और इस बार जिम्मेदारी देने का काम करते जी। हमने पंचायत समिति का पद इसलिए चुना कि मुखिया और जिला परिषद के बीच में ये पद गौण रह जाता है, जबकि ये गौण पद नहीं है, पंचायत प्रमुख की राजनीति होती है और पूरे प्रमुख मतलब प्रखंड की राजनीति होती है। प्रखंड की राजनीति में एक समिति का बहुत अहम योगदान होता है। आप सक्षम समिति को चुन के भेजते हैं तो प्रखंड से वो और जिला स्तर से भी वो कुछ ऐसा कार्य करेगा जिसको इस जनता में नाम लेगा। आज तक जितने भी समिति हमारे इस पंचायत ने चुना है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि यहाँ विवाद की स्थिति हो सकती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं करूंगा, लेकिन पिछले, खास करके पिछले 5 वर्षों में, पांच वर्षों में भ्रष्टाचार का मैं पूरा विरोध करूंगा। इस गांव में, इस पंचायत में 30,000 रुपया देने के बाद वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने इंदिरा आवास दिया, आज एक महल्ला पर दो महल्ला बन चुका है इंदिरा आवास। लेकिन मैं पिछले 15 दिनों से पंचायत में घूम रहा हूँ, एक भी खपरेल, 10 लोग ऐसे हैं जिनका खपरेल का मकान खपरेल का है, बगल में ही राज पप्पू पंडित का एक मकान है इसी इलाके में, उनका आज पिछले 5 वर्ष पहले मैं किसी मुखिया प्रत्याशी के चुनाव में गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आज भी मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला, और कल भी मैं गया था तो उनको अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला, क्योंकि वो 30,000 घूस देने में अक्षम है। मेरा कर्तव्य है, मैं जीतूं या हारूं, सबसे पहले मैं पप्पू पंडित को इंदिरा आवास दिलाऊंगा। नाम खोल के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो इसी समाज का लोग है, आज आप लोग चल के उसके घर को देख सकते हैं कि वो इंदिरा आवास के लायक हकदार है या नहीं। ऐसे कई पप्पू पंडित जी, ऐसे पप्पू पंडित मैंने अभी तक 3500 देखे हैं जो जिनको इंदिरा आवास की आवश्यकता है और वो 30,000 देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनका नहीं हुआ, और एक महला वाले का दुमहला हो चुका है इंदिरा आवास के नाम पे। मैं उस लूट खसोट को रोकने आया हूँ, उसको रोक देंगे जी। आप मास कम्युनिकेशन भी किए हुए जी, MGMC मैंने नालंदा ओपन से किया 1952 से लेकर के लगातार। इस बार के पंचायत चुनाव में भी वही मुद्दा गूंज रहा है, हम गरीबी हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये मुद्दा तब से लेके आज तक लगातार मुद्दा। देखिए, पंचायत की राजनीति, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ जातिगत हो जाती है पंचायत के राजनीति में, उठने की जाति से जब तक नहीं उठिएगा तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। वैसे व्यक्ति का, इस पंचायत समिति में 11 लोग हैं, उन 11 में मैं यही आप सबसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर, मुझे वोट नहीं दें, लेकिन उस 11 में जो सबसे लायक है उसे वोट दें। मैं हरदम कहता हूँ, जाति पाति से ऊपर उठकर मुझे वोट नहीं दें, मैं आपके लिए, वोट के लिए नहीं, आपके विकास के लिए आया हूँ, वोट नहीं भी दीजिएगा मैं आपका सेवा करता रहूँगा, आपका बेटा बनकर, लेकिन उस 11 में से लायक को दीजिए पंकज जी, मैं आपसे यही अपील करूँगा। गोपी जी, आप अपना एक बार छाप बता दीजिए, क्रम संख्या। मेरा छाप 2 नंबर पर है, गोपेश कुमार उर्फ गोपी, और क्रमांक में रहेगा गोपेश कुमार 2 नंबर पर, चारपाई उर्फ खटिया छाप। और जनता जनार्दन से यही अपील करता हूं, मैं उस परिवार से हूं जिन्होंने आपकी सेवा की और लोग आज भी गांधी जी के रूप में बटेश्वर बाबू को जानते हैं, मैं उनका परनाती हूं, उनके नाम को धब्बा नहीं लगाऊंगा, उनको गाली नहीं दिलाऊंगा। आज तक उनका नाम आप लोग बहुत सम्मान से लेते हैं, जहां भी जाते हैं एक बार लोग उनका नाम लेते हैं, कृपया उनके नाम पर और मेरे काम पर और मेरे पढ़े लिखे होने पर एक बार मुझे विकास के नाम पर वोट दें, वोट दें। ये भी पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं और गोपी जी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं, तय तो जनता को ही करना है कि आखिर होना क्या है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आप सोच समझकर नहीं करेंगे मतदान तो आपका कभी नहीं होगा समाज में सम्मान।
बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।